नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। प्रदेश भर के साथ ग्वालियर में भी कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। यही वजह है कि सिंधिया राज परिवार के युवराज कहे जाने वाले और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया भी कोरोना की चपेट में आए हैं। महान आर्यमन सिंधिया बुखार और खांसी से पीड़ित हैं, जिसके चलते बीती शाम उनका कोविड-19 टेस्ट करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा देर रात जारी कोविड-19 रिपोर्ट में महान आर्यमन सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर महान आर्यमन सिंधिया को जय विलास पैलेस महल में होम आइसोलेशन में रखा गया है। युवराज महान आर्यमन सिंधिया के साथ ही जिले में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 15 हो गई है। जनवरी 2023 से लेकर अभी तक 22 मरीज सामने आए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि मंगलवार को जहां 7 मरीज सामने आए, तो वहीं बुधवार रात कोरोना की दस्तक सिंधिया महल में भी हो गई है। CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा का कहना है कि कोई मरीज गंभीर हालत में नहीं है, फिर भी सभी पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तैयार कराई जा रही है ताकि कोरोना के फैलाव को समय से पहले ही रोका जा सके। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।